हाय इनोवा फोटो लगा हुई। हाय हेलो, हाय गुड आफ्टरनून। फिलहाल मैं पहुंच गया हूँ जो अपना फ्रेंड का जो रिसोर्ट है उसका, वो मैनेजमेंट में रहता है, मैनेजर है, और फिलहाल जी पहुंच जी गया। नाम क्या था आपका रिसोर्ट का? पार्क मार्क ए वाइल्ड लाइफ रिजोर्ट। अच्छा, पार्क मार्क। ठीक है, तो फिलहाल आ जाइए, देखते हैं। जी यही है द पार्क मार्क, यही है जी। इसका लोकेशन बहुत मस्त है, देखिए जी। यही है, गेस्ट भी आया हुआ है, वो अपना जिप्सी भी है और कुछ कॉटेज भी है। हाँ, स्टाफ लोग बैठा हुआ है, वो एंजॉय कर रहे हैं वो लोग। अच्छा, फिलहाल पहुंच गया हमारा, रिसेप्शन तक आते हैं के थोड़ा लुक दिखाएंगे। ये देखिए, जब गेस्ट आता है आकर तो बैठ कर वो लोग रेस्ट लेता है। रेस्ट लेने के बाद हर बात किया जाता है। ये हमारा ये हमारा ये रिसेप्शन रिसेप्शन है जी। और साथ में ये बैठने के लिए रेस्ट के लिए सीट अच्छा, है। पहले जो आता है गेस्ट उस टाइम में यहाँ पे बैठता है क्या? अच्छा, यहाँ कहाँ पे एंट्री होते हैं? मगर यहाँ पे एंट्री होता है जी। हाँ जी, एंट्री होने के बाद हम लोग सभी दे देते हैं रूम का, जी। उसके बाद चेक इन होते हैं। ठीक है, फिलहाल आपका रूम कितना, टोटल रूम कितना है आपका? हम लोग का टोटल रूम 12 रूम है। 12 रूम। आइए पहले वो फ्रंट साइड में आते हैं, लाइट के लिए ज्यादा अच्छा होगा। इसका व्यू भी बहुत मस्त है लेकिन। अच्छा, तो फिलहाल आप लोग का टोटल रूम कितना है? 12 12 है। हम लोग सिस्टम का है। अच्छा, हर रूम में एसी है या एसी नॉन एसी कुछ? एसी भी है, नॉन एसी भी है। अच्छा जी। हम लोग का ट्रिपल शेयरिंग 2 AC है, डबल शेयरिंग 2 AC है। अच्छा, मतलब ट्रिपल शेयरिंग मतलब तीन जन तीन एक रूम में तीन तीन जन सो सकते हैं, एक रूम में तीन लोगों मतलब सो सकते हैं। एकोमोडेशन। एक अच्छा बड़ा अच्छा किंग साइज बेड रहता है, उसके बाद एक्स्ट्रा एक बेड रहता है। अच्छा जी। फिलहाल अभी आप लोग का गेस्ट है अवेलेबल? अभी अच्छा चार ठीक है। चार अच्छा 5 रूम है। जी। आज मतलब अभी फिलहाल आपका 5 रूम बुकिंग है, ऑलरेडी चेक इन है, मतलब ऑलरेडी एंट्री चेक हो इन गया उन लोगों जी। का? अच्छा ठीक है, तो आप रूम दिखाएंगे हाँ आपका दिखाएंगे कुछ? जी, 1 मिनट चाबी लेके आता है। जी, आइए। लिए आपका नाम और इसमें आप कौन सा मतलब डिजिग्नेशन में है वो प्लीज बोलिए। तो ये रिसोर्ट का मैं एज ए GM रिप्रेजेंटेटिव में हूँ, और अच्छा हम लोग का एक मैनेजर है जी दीपंकर डेका, मैं जी बुला जी देता हूँ। हाँ दीपंकर। ये हम लोग का मैनेजर है। जी 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 ठीक है। अच्छा, मैडम, आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम दीपंकर डेका है। दीपंकर। देखिए, अभी आप लोग का जितना रूम का जो नज़ारा है ना, ये हम लोग दिखाएंगे। आप लोगों का जितना भी कॉटेज का जो कैटेगरी है वो दिखाइए। तो फिलहाल मैं शो खोल लेता हूँ, आपका इतना नज़ारा, इतना अच्छा रूम। तो पाठक जी, कोई रूम का? वाह, नाइस 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 नाइस, वाओ, मस्त है। यहाँ पे ये मतलब हम लोग का गेस्ट वो के लिए जो लैपटॉप के लिए जी बोर्ड को लैपटॉप लाते हैं जी तो जी उनके लिए एक्स्ट्रा हम लोग टेबल रखे हैं। जी 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 हाँ। ये अच्छा, यहाँ पे चेयर भी लैपटॉप आता रख के है लोग कुछ भी काम कर सकते हैं। और साथ में ये जो हम लोग का टेबल है, टी जी। टेबल, कोई अच्छा अगर बैठ के यहाँ कुछ खा भी सकते हैं, जी कोई जी रूम में आपका मतलब है रूम में आप डिनर या डिनर मीन्स हर कोई नहीं, कभी कभी जी। किसी को हम लोग रूम शेयरिंग भी करते हैं, अगर अच्छा जी, कोई एक्स्ट्रा कोई ड्रिंक करता है, गेस्ट आते तो हैं रूम ही में तो हो वो भी हम जाता है। लोग कर लेते हैं।
ठीक है आपका रूम तो मस्त है। देखिए आपको टीवी भी है, आपको ये केटल जो इलेक्ट्रिक केटल है ना, ये हाँ मतलब इलेक्ट्रिक चाय गर्म कर सकता हाँ है, चाय पी गर्म सकता कर है, गर्म देंगे। पानी पी सकता है, ठीक नहीं ये जी। हम लोग अच्छा का फॉर्मल का अच्छा पठक जी, और कुछ अभी हम दिखाएंगे लोग आप? इसके ऊपर और हम लोग जो डबल शेयरिंग एसी रूम उसको भी दिखा जी देते हैं। जी आइए। ठीक है नाइस। मतलब हर रूम में एक एक टीवी है क्या? हर रूम में है जी जो है उसका छोटा तो नजारा, ठीक है ऐसी है, ऐसी रूम है, बड़ा बेड है यहाँ पे, तो लगभग हमारे जैसे तो 3-4 आदमी एक साथ रह सकते हैं, ठीक है मस्त है। इसका रूम का आपको स्लिंग का जो स्टाइल है वो देख लीजिए, इसको क्या बोलते हैं, फुल स्लिंग क्या बोलते हैं ना, मस्त है। यहाँ पे बैठकर आप लोग चाय पी सकते हैं, देखिए ऐसे जी ऐसे, यहाँ पे गिलास वगैरह रखा हुआ है, यहाँ पे वाटर बॉटल मिनरल वाटर बॉटल भी रखी है, देखिए। लेकिन आप लोग का रूम सचमुच बहुत मतलब अच्छा है भाई, पता जी जी ठीक है। अच्छा ओके। और हर रूम और एक अच्छा मतलब इन लोगों का फैसिलिटी है, हर रूम में एक अच्छा अच्छा मतलब पिक्चर है, ये हॉर्नबिल का शायद है कि नहीं, ये हॉर्नबिल का है ना पिक्चर? हाँ अच्छा हॉर्नबिल, और ये एलिफेंट एलिफेंट का जी, ये एलिफेंट का भी पिक्चर है। मतलब हर रूम में दो दो ऐसा मतलब इमेज लगाया हुआ है, वो देखकर मस्त लगता है, जो फोटो है ना पूरी नेचर जी, रिजर्व के साथ मिला मतलब रहता हाँ जंगल रिसोर्ट के साथ मतलब मिल जाता है। इन लोग का नाम भी है पागमर्क है, नाम और काम है। और साथ में हम दोनों लोग का रूम का यह है जी। सब बाटिंग के नाम से, हर रूम अच्छा का मतलब हर रूम रूम का नाम का नाम ये बाटिंग के नाम बाट, से जी, लिखा हुआ है बाट का, ये फेलकोम है ना, फेलकोन। फेलकोन जी। अच्छा ठीक है मस्त है। ये क्या चीज लगाया आप लोग देखिए ये? हम लोग का यहाँ से जो भूटान अच्छा जी नजदीक होता है, जी जी क्योंकि हम लोग का मथनगिरी जो बायोस्फीयर एरिया है, जी 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 मानस जो हम लोग का जोन है जी सेंट्रल जोन, जी यहाँ से जो सफारी करके जो लास्ट पॉइंट जाता है मथनगिरी, जी और वो है आपका इंडो भूटान जी जी एंड इंडिया बॉर्डर एरिया, इसको अच्छा बोलते हैं बायोस्फीयर एरिया, बायोस्फीयर बायोस्फीयर एरिया। एरिया वहां से आप भूटान भी जा सकते हैं, जी क्योंकि जी हम लोग जी का साथ भूटान कनेक्टेड है, कोई गेस्ट जी आने से भूटान विदाउट वीजा फॉर इंडियन ओनली, जी जी नॉट जी फॉरेनर, अच्छा अच्छा जी इंडियन के लिए वो वहां जा जा सकते सकते हैं, हैं, तो उन लोग भी आते हैं हम लोग का यहाँ पे मतलब हम लोग विदाउट वीसा हुआ है। जी, अरे मतलब वो भूटानीस लोग का जो भगवान का नाम भूटानीस अक्षर है और नीचे जी लिखा जी हुआ है। जी ठीक है पाठक जी और आइए, और कुछ बाहर का भी नज़ारा हम लोग उठा लेते हैं। देखिए ये पागमाक रिसोर्ट का नज़ारा है ऊपर, ये मतलब हर कॉटेज का ऊपर अभी से हम लोग ऐसे का नीचे का। 500 मीटर्स
अच्छा इधर आप लोग 100 मीटर जाने के बाद जंगल सामने जो जंगल दिख रहे जी 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 वही हम लोग का पार्क है मानस नेशनल पार्क जी। अच्छा यार कितना लगभग कितना मीटर जैसे होगा? 100 मीटर्स। 100 मीटर ठीक है 100 मीटर। अच्छा पाठक जी पहले आप मतलब वो जो डबल शेयरिंग का दिखाया ना, डबल शेयरिंग है वो नॉन एसी एसी का। अच्छा दोनों दिखाया जो नीचे लेकिन का था, ठंड के लिए अभी दोनों सेम ही है, रूम रेंट एक ही है सेम। जी लेकिन जब समर सीजन आएंगे जी तो ये इसका रेट और उसका रेट थोड़ा चेंज हो जाता है। अच्छा जी ठीक है। अभी आप मतलब ट्रिपल शेयरिंग कुछ दिखाएंगे कि ना? ठीक है ओके। मतलब दो बिस्तर है ना यहाँ पे, दो रह सकते हैं यहाँ पे एक, मतलब तीन लोग एक रूम में रह सकते हैं। अच्छा जी इसका रेट कैसा है इस रूम का? लेकिन इसके पहले हमारा एक बात बोलना चाहता है जी जी, हम लोग जो 3% एकोमोडेशन एंड 2% एकोमोडेशन में जी हम लोग का जो एक्स्ट्रा बेड एंड एक्स्ट्रा मेट्रेस हम लोग नहीं देते, हम लोग को ये अवेलेबल नहीं है। जिस रूम में हम लोग को दो रहना है, दो जन का रहना है और तीन जन के लिए तीन जन, अगर फैमिली हो जी तो कोई किसी का बच्चा हो जी बिलो सिक्स जी जी लेकिन रह सकते लेकिन उसके ऊपर होने एडल एडल को मतलब एडल में अगर वो लोग अपना फैमिली के अंडर में आया जी जी बाप बेटी वहाँ लोग अगर एग्जिस्ट कर सकते हैं जी तो करेंगे, लेकिन एक्स्ट्रा हम लोग जो मैट्रेस नहीं देते हैं, मैट्रेस नहीं देते हैं साथ में जो हम लोग टाइल्स टॉवेल्स जो देते हैं जी 3% के तीन नहीं रहेगा, 2% एक्स्ट्रा दिया नहीं जाता है, एक्स्ट्रा नहीं दिया नहीं जाता है। अच्छा ओके ओके ठीक है। साथ में हम लोग जो रूम रेंट है अभी जी, अभी जो विंटर सीजन में चल रहे हैं ओकेशन जी, हम लोग ऊपर वाला 5000 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। ऊपर वाला कौन सा? यही जो अभी फिलहाल हम लोग जो है, हां ये कितना है? 5000 इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट, इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट 5000 जी। और जो डबल शेयरिंग दिखाए हैं जी वो 4000। अच्छा जी उसमें भी इंक्लूड ब्रेकफास्ट आएंगे, मतलब इस रूम में जो ट्रिपल शेयरिंग कर सकता है इसका प्राइस है 5000, यहाँ पे आपको ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा मतलब। ओके ठीक है पाठक जी, अच्छा लगा आप लोग का रूम का हर फैसिलिटी बहुत अच्छा है मस्त है, लेकिन यहाँ पे एक जो नॉर्मल रेट है वो 5000 है और 5000 में आपको तीन लोग रह सकते हैं और दो बेड है, एक बड़ा बेड वो जो देख रहे हैं ना वो बड़ा बेड और ये सिंगल बेड, यहाँ पे एक लोग वहाँ पे दो रह सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अब चाहे तो अगर कुछ एक्स्ट्रा वो मैट्रिक्स चाहिए या कुछ चाहिए तो मतलब नहीं देता है क्यों? हाँ कुछ रिसोर्ट का रूल भी रह सकता है, वो भी एक बात है कि नहीं पाठक जी? इस डायरेक्शन में जो है ना इसका जो नज़ारा है ये मस्त है, जब सनसेट का जो मतलब टाइमिंग जो है ना ये देखने का लायक है। देखिए वाओ क्या बोलते हैं पाठक जी? बहुत अच्छा है। हाँ मस्त है। हम लोग फिलहाल बातचीत करेंगे मतलब डाइनिंग हॉल का, हाँ जहाँ पे आप लोग हमारा जो गेस्ट लोग रहता है वहाँ खाना पीने के मतलब जो इंतजाम होता है वो कहाँ पे बैठ कर खाते हैं, है ना आप लोग का डाइनिंग? हाँ ये देखिए जी जी। अच्छा पाठक जी ये मतलब यहाँ पे आके कि पहले यहाँ पे हाथ मुंह धुलाई होता है ना? अच्छा वैसी नहीं मतलब ठीक है, डाइनिंग इधर है ना? वाओ उसके पीछे किचन है, किचन भी है नजदीक में। देखिए हर हमारा जो डाइनिंग टेबल है उसका हर टेबल का ऊपर में लाइट है कि नहीं? किधर दिखाई दे रहा था? हाँ ये देखिए हर टेबल का ऊपर में एक एक लाइट है, देख लीजिए जी। अच्छा पाठक जी तो हमारा ये आप लोगों का जो डाइनिंग है ना
डाइनिंग हॉल में लगभग कितना आदमी बैठ सकता है, एक ही साथ बैठकर खाना खा सकता है? 16 मतलब कितने, 1 2 3 4 5 20 पांच है तो 20 तो लगभग 4 करके पकड़िए 20 पकड़ जाएगा ना। जी जी ठीक है पाठक जी। और हम लोग का यह खाने का सिस्टम थोड़ा, अच्छा खाना का बारे में कुछ पूछना है, लेकिन उसमें भी और एक्स्ट्रा क्या है आपका, कोई पोर्क चाहिए तो डक चाहिए, बहुत कोई एक्स्ट्रा मांगते हैं तो उसके लिए एक्स्ट्रा ऑर्डर चार्ज लिया जाता है, उसका एक्स्ट्रा चार्जेबल होता है। जी मतलब भेज का 400 और नॉन भेज का 500 जी। और जब आदमी अगर एक रूम दो रूम रहते हैं तो हम लोग कोई गुफे नहीं खाने से हम लोग एक्स्ट्रा थाली सिस्टम में चलाता है, तो थाली में हम लोग का जो भेज थाली है वो कॉमन रहता है, भेज थाली हम लोग 200 रुपया जी, उसमें सब दाल सब्जी आलू भाजी जो आइटम है जी, सब दिया जाता है मतलब विदाउट पनीर जी जी ठीक है। भेज थाली होता है उसमें, लेकिन आपका पनीर इंक्लूड नहीं रहता है। अच्छा जी, उससे भेज थाली लेने से आपको कोई नॉन वेज खाए फिश खाए कोई भी खाए उसका एक्स्ट्रा आपको ऑर्डर मेनू देके आपको ऑर्डर लेना पड़ता है। जी जी, आप लोग का मेनू बनाए हुए है ये? हम लोग का जो थाली का मेनू है वो बना हुआ है जी, नया और एक मेनू आ रहा है वो अभी तक आया नहीं, क्योंकि हम लोग का ये रेस्टोरेंट बहुत नया है। जी 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 ठीक है, मतलब नया इसलिए कलर कॉम्बिनेशन। अच्छा मतलब एक साल कम्प्लीट हो चुका है आप लोग का, लेकिन इस साल बहुत कुछ लाना है, लेकिन इस सीजन में हो तो सके तो लाएंगे जी जी, लेकिन पूरा होगा नहीं, लेकिन उसका अभी दो ही सिस्टम में चल रहा है, हम लोग का गुफे सिस्टम एंड थाली सिस्टम। अच्छा पाठक जी, आप लोग का जो स्नैक्स आइटम है वो मिलता है ना इसमें? बर्बेश सब कुछ मिलता है, स्नैक्स सब कुछ मिलता है। स्नैक्स में आप लोग क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? आप लोग पनीर पकौड़ा, चिकन पकौड़ा, चिकन ड्राई फ्राई, चाइनीज आइटम, सिर्फ हम लोग का तंदूरी आइटम नहीं चलाता है। अच्छा तंदूरी अभी फिलहाल हम लोग का नहीं चलता। अच्छा डोसा जी, पाठक जी आप क्या दिखाने के बारे में बोल रहे हैं? डाइनिंग हॉल का सब, और हम लोग एक्स्ट्रा कॉमन लेटरिन बाथरूम भी है। अच्छा मतलब कॉमन वॉशरूम भी है ना? वाओ, ये फिर हमारा दोस्त भी आ गया, धर्मेंद्र है, फिलहाल बाहर गया था ना? बाहर गया था जी 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 जी, ऐसे घूम के आया पिकनिक प्लेस गया। कैसा वहाँ पे भीड़ भाड़? अच्छा है वो, अच्छा है ना बहुत। जी जी ठीक है, वो जी इन लोग का जो एंट्री गेट है वो इस तरह है, देखिए यही है एंट्री गेट, जो यही है एंट्री गेट, ये पागमक लिखा हुआ है, उन लोग का ही मतलब पागमक।